डिंडोरी में चल रहे दो दिवसीय ओलंपियाड खेल समारोह का समापन हो गया है। समापन समारोह में इस ओलंपियाड को जीतने वाली विजेता टीम और उपविजेता टीम को मेडल और पदक देकर सम्मानित किया गया। इस ओलंपियाड खेल समारोह में विभिन्न गांवों से आए खिलाड़ियों ने कबड्डी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कुश्ती, रस्साकशी, तीरंदाजी, फुटबॉल इत्यादि खेलों में हिस्सा लिया। ओलंपियाड खेलों के दौरान कबड्डी में बालक और कन्या बजाग की प्रतिभागियों ने बाजी मारी, वहीं रस्साकशी में कन्या बजाग और बालक गोपालपुर, वॉलीबॉल में मोहाती के खिलाड़ी विजय घोषित हुए। बता दें, कार्यक्रम का उद्देश्य बैगा जनजाति के आदिवासियों की प्रतिभा को निखारना है। खेल में भाग लेने आए खिलाड़ियों ने इस आयोजन पर हर्ष व्यक्त किया और शासन से अपील की कि हमारे लिए अच्छी कोचिंग और प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था की जाए, जिससे लगातार प्रैक्टिस से हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और रोज प्रैक्टिस कर रही हैं और खेल भी रही हैं, आज भी यहाँ प्रदर्शन करी है इन्होंने और बहुत अच्छा प्रदर्शन करी और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बहुत सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि ये बैगा जनजाति की महिलाएं हैं और इनको निकलना बहुत मुश्किल होता है निकालना, और ये यहाँ पर निकल के आई हैं। बहुत बड़ी बात है कि ये इस खेल में भाग ली हैं और खेली हैं, और अच्छा लगा कि ऐसे खेल में इनको आगे बढ़ना चाहिए और आगे जाना चाहिए। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि इनको आगे बढ़ाया जाए और आगे खेल प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा दिलवाया जाए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।